हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सारे लोग? और आज है आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार बात। और वो क्या है? वो है स्टूडेंट्स आपकी, सोचिए क्या है। इट्स न्यू CBSE अपडेट जो कि आई है हमारे 21-22 बैच के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर वाले बैच के लिए। क्या अपडेट है? क्या वो सरप्राइज़ है? क्या वो शॉक है? चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए सरप्राइज है या फिर शॉक है। तो अपडेट बहुत प्यारी सी है, मैं वापस से बताऊंगी। ये न्यू बैच के लिए है, दैट इज 21-22 बैच के लिए, है ना। अपडेट क्या है स्टूडेंट्स? लाइक आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें चेंज लाया गया है। अगर मैं बात करूँ 11th एंड 12th के लिए, सॉरी 9th एंड 10th के लिए, ठीक है, तो उसमें चेंज लाया गया है। लाइक प्रेजेंट 2021 पॉलिसी जो है उसमें आपके 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20% केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड 40% आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, है ना। तो उन्होंने चेंज क्या किया मैम? उन्होंने एक केस बेस्ड सोर्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो जनरली 3-4 मार्क्स के आते थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने इसको बना दिया है। क्या उन्होंने बना दिया है इसको? आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी 30%। कितना? 30%, है ना, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक जैसे अभी करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, करंट में जो सिचुएशन चल रही है, उस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं या कोई और टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। 20% ऑब्जेक्टिव रहेगा, दैट इज सेम, ठीक है। और ये चीज़ जो बोली गई है उसमें 50% आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा एज पर द एग्जिस्टिंग पैटर्न, ठीक है। 50% रहेगा, 60 से 50 हो गया है, ओके। बट ये जो अपडेट है ये क्लास 9th एंड 10th के लिए है, और हमारे 11th एंड 12th के लिए क्या अपडेट है? तो 11th एंड 12th के लिए अपडेट ये है स्टूडेंट्स, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 20%, है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो से आपको रट्टा फिकेशन नहीं करना है ना। अब आपको प्रॉपरली उसको समझना है, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना है, आपकी सराउंडिंग से रिलेट करना है, तो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 20%, और रिमेनिंग 60% जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स रहेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका प्रपोर्शन ऐसे हुआ 20, 20 एंड 60, है ना, परसेंटेज में है ये स्टूडेंट। दिस इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट 20%। 80 मार्क्स का 20%, 16 16, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें आपके सबसे पहले कौन सा बोला? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है कि मैम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कौन से होंगे? स्टूडेंट दीज कैन बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर श्योर, है ना, जिसमें केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन हुई तो आप क्या करोगे, और प्रेजेंट में जो सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीने का बहुत ज़रूरत है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड चीज़ें आएंगी इसमें, है ना। सोर्स बेस्ड चीज़ें आएंगी कि आपने जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ कब हुई, ये चीज़ कैसे हुई, ये डेटा कब आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें, तो ये इसका फ़र्क इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा पड़ने वाला है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20% होंगे, और बाकी 60% जैसा आपका पैटर्न रहता है वो रहेगा। तो दिस विल बी सरप्राइज, तो आप डिसाइड करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सरप्राइज है या फिर आप लोगों के लिए शॉक है, ओके। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर? अनअकैडमी ऐप पर। तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिए, ठीक है, वहाँ पर सर्च करिए, मेरा नाम प्रिया जैन है, प्रिया जैन सर्च करेंगे और आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी, और वहाँ पर अपने डाउट्स जो हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।